नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चौहान और इस वक्त हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में। सचिन मीणा का ये घर है, हमारे पीछे आप देख सकते हैं पिंक और येलो कलर का ये मकान सचिन मीणा का है। सीमा हैदर यहां उनके साथ ही रह रही थी, लेकिन वो लगातार गायब बताई जा रही है और घर वाले भी जो बहुत साफ साफ अभी उस बारे में जानकारी नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर वो है कहां। लेकिन पुलिस सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर 3 दिनों से गायब है। अपने चारों बच्चों से अलग और नजदीक के ही रघुपुरा गांव में ये चारों बच्चों के साथ रह रही थी, लेकिन 24 जुलाई को यूपी एटीएस ने पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया, लेकिन अगले दिन से सीमा और मीणा घर पर मौजूद नहीं है। और ये तस्वीर आप देखिए, ये है सचिन मीणा का घर, जहां पर अभी बताया जा रहा है कि सीमा हैदर भी नहीं है और सचिन भी नहीं है। लेकिन बस कुछ देर पहले ही उनके दादा से हमारी बात हुई और उन्होंने ये कहा है कि पुलिस पूछताछ करना चाहती है और उन्हें अपने साथ ले गई है। और जिस तरीके से उनसे पूछताछ की जा रही है, जो भी कानूनी कार्रवाई है आगे की वो पूरी करना चाहती है। और यूपीएटीएस लगातार पूछताछ कर रही थी कि क्या कहीं कोई बड़ी साजिश की ओर यहां इशारा तो नहीं। लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सचिन मीणा के घर में सचिन और सीमा मौजूद नहीं है, लेकिन उनके परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं उनकी मौजूदगी है। लेकिन कुछ देर पहले ही उनके दादा ने ये साफ कहा है कि पुलिस वाले उनसे पूछताछ करना चाहते थे और वो उन्हें अपने साथ ले गए थे, लेकिन आज शाम तक सचिन और सीमा के घर वापस आने की जानकारी भी उनके दादा के पास में। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि पुलिस इस पूरे मामले में आगे भी पूछताछ करनी चाहती है कि क्या कहीं कोई बड़ी साजिश के तहत सीमा हैदर भारत में दाखिल तो नहीं हुई है, और इसीलिए लगातार अधिकारी उनसे पूछताछ भी कर रहे हैं। और परिवार के सदस्य हैं ये, जिस तरीके से ये यहाँ पर तस्वीर सामने आई है, ये बताती है कि अभी भी पूछताछ पुलिस कर रही है। परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन सीमा क्या घर में है अभी आज? अच्छा, और सचिन भी घर पे नहीं है आज? ये परिवार के लोग हैं उनके, और वो बहुत खुश नजर भी नहीं आ रहा है। उनका कहना है कि हमें नहीं पता है, आप जाकर के कहीं और पूछ लीजिए। यानी सचिन के परिवार के घर में जो लोग यहाँ सदस्य मौजूद हैं, वो भी अभी उचित जानकारी देने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ये एक बेहद अहम और बड़ा मामला भी है। सीमा हैदर जो चार बच्चों के साथ पाकिस्तान से यहाँ आ गई थी, वो सबसे खास बात भी थी। और अब ऐसे में जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि अब सीमा हैदर के बाकी साथियों को ढूंढने में भी और एजेंसीज लगी हुई है, क्योंकि एजेंसीज को अभी कई बड़े सवालों का जवाब चाहिए जो सीमा हैदर से साफ साफ अब तक नहीं मिल पाए हैं। मैं इनकी मोहब्बत में आई थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर मैं फ्रॉड होती या गलत होती तो मैं अपने मासूम बच्चे ना ले आती। माँ की नजर से सिर्फ जासूस 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 की नजर से ना देखें, माँ की नजर से भी देखें। मैं अगर पाकिस्तान चली गई तो उनका जीवन खराब हो जाएगा। सबसे यही रिक्वेस्ट है, भले कहीं भी रख लें, कोई भी कानून हम पे रख लें, पर वापस ना भेजें सर। वो बार बार गुहार लगाती है, मीडिया के जितने भी कैमरे हों, ये कहने से नहीं चूकती कि मुझे पाकिस्तान ना भेजा जाए, मुझे पाकिस्तान में मार देंगे, मेरे बच्चों को मार दिया जाएगा। वो बार बार अपने बच्चों की दुहाई देती है, बार बार खुद को पीड़ित दिखाती है, अपनी मोहब्बत को ढाल बनाने की कोशिश करती है। लेकिन सच तो ये है कि वो पाकिस्तानी है और पाकिस्तान से अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुई है, इसीलिए जांच एजेंसियां अभी भी उन्हें क्लीन चिट नहीं दे पा रही है। और अब सीमा हैदर और सचिन मीणा का पिछले 3 दिनों से कोई अता पता नहीं है। वो ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में रह रहे थे, लेकिन फिलहाल उनका कोई अता पता नहीं। यूपीएटीएस ने इस मामले में पूछताछ की, क्योंकि सीमा का ताल्लुक पाकिस्तान से है और पाकिस्तान से वो किस तरह से यहां पर आई। हालांकि पबजी खेल के जरिए उसने ये बताया था कि उसकी दोस्ती हुई थी, लेकिन जो एजेंसियां चाहती थी, जो सवाल वो चाहती थी, उनका जवाब उन्हें सीमा की तरफ से सही तरीके से नहीं मिल पाया था। और इसी वजह से सीमा हैदर लगातार एजेंसियों के कटघरे में अभी भी खड़ी हुई है। आज यहां पर जब हम पहुंचे हैं तो यहां पर पूछताछ के दौरान ये कहा बताया गया हमें कि यहां पर सीमा हैदर और नहीं है। आखिर कहां चले गए दोनों, क्या कोई नया ठिकाना उन्होंने तलाशा है? कहां है सीमा हैदर?
सचिन मीणा। सचिन और सीमा गायब क्यों है? रघुपुरा में सचिन मीणा के घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। घर के अंदर से कोई जवाब नहीं दे रहा। सवाल है कि क्या जांच एजेंसियां सचिन मीणा और सीमा हैदर को कहीं लेकर गई हैं? और अगर कहीं लेकर गई हैं, तो क्यों लेकर गई? क्योंकि एक बार नहीं, कई बार सीमा हैदर और सचिन मीणा से कई घंटों की पूछताछ हो चुकी है। फिर एजेंसियों ने उन्हें अपने साथ लेकर क्यों गई है? क्या सीमा हैदर का कोई झूठ जांच एजेंसियों ने पकड़ लिया है? क्योंकि न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में ये बात सामने आ गई है कि सीमा हैदर और सचिन मीणा ने नेपाल में रहने के दौरान और नेपाल से भारत में दाखिल होने के दौरान कई झूठ बोले हैं, अपनी पहचान छिपाई। सचिन और सीमा इस वक्त कहाँ है किसी को नहीं पता, क्योंकि क्या सीमा हैदर का कोई एक ऐसा झूठ फिर पकड़ा गया है, क्योंकि एजेंसियां लगातार उससे पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ में कई ऐसे राज का पर्दाफाश हुआ है। इलाके के लोग जो यहाँ पर रोजाना आते थे, अब यहाँ पर कोई नहीं है। सीमा हैदर और सचिन कहाँ गए, किस जगह पर गए, किसी को नहीं पता, लेकिन घर का जो दरवाजा है वो इसी तरह से यहाँ पर खुला हुआ है। और ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से लगातार सीमा हैदर और सचिन यहाँ पर नहीं थे। 2 दिन पहले ये कयास लग रहे थे कि सचिन और सीमा से एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है कि आखिर जो बयान हुए थे, क्योंकि न्यूज 18 इंडिया की टीम नेपाल में पड़ताल करने पहुंची थी और नेपाल में पड़ताल करने के दौरान उन्होंने देखा था कि कई जगह पर, चाहे वो पशुपतिनाथ मंदिर हो या फिर जो न्यू विनायक होटल है और उसके अलावा जो सृष्टि बस सर्विस है, हर जगह पर सीमा ने झूठ बोलकर अपनी बुकिंग करवाई थी और हर जगह पर उन दोनों ने अपनी पहचान छुपाई थी। बुधवार से ही सीमा और सचिन दोनों अपने घर से गायब हैं। घर के बाकी सदस्य मीडिया ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों से भी नहीं मिल रहे हैं। वो लोगों को यही कह रहे हैं कि घर के सदस्यों की तबीयत ठीक नहीं है। इससे पहले सीमा हैदर और सचिन मीणा की तबीयत भी खराब हुई थी, लेकिन 3 दिनों से दोनों यहाँ नहीं हैं। ऐसे कयास लगाया जा रहा है कि सीमा हैदर के मसले में जांच एजेंसियों को ऐसा कुछ मिला है जिसकी वजह से सीमा को डिपोर्ट किया जा सकता है। और न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर आखिरी बार सोमवार को सीमा हैदर ने जब इंटरव्यू दिया, तब उनसे यही सवाल किया गया था। जवाब में सरकार से वही गुहार थी कि उन्हें यही रहने दिया जाए। आपको डिपोर्ट करने की नौबत आ गई तो सीमा हैदर क्या करेंगी? मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी, जिंदा बचूंगी भी कि नहीं। तो पहले तो मैं योगी जी और मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगी मुझे ना भेजा जाए, मेरी बेटियों और हमें यहाँ की नागरिकता मिल जाए। सीमा खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश कर रही है, जबकि जांच एजेंसियां इस मामले की कई एंगल से जांच कर रही हैं, जिसमें सीमा के पाकिस्तान में रहने के दौरान उनकी गतिविधियां क्या थी, वे नेपाल के रास्ते भारत में अवैध तरीके से कैसे पहुंची, उनकी मदद किसने की, कहीं सीमा का संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों से तो नहीं। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशना बाकी है। और साथ में सुरक्षा एजेंसियों को सीमा हैदर की सुरक्षा का भी ख्याल रखना है, लिहाजा हो सकता है कि सीमा हैदर और सचिन मीणा को किसी सेफ हाउस में रखा गया हो। यूपीएटीएस लगातार पूछताछ कर रही है, उन्हें सेफ जगह पर रखा गया है, क्योंकि सीमा हैदर पाकिस्तानी महिला है, साथ ही उसे उसके कहीं गुम हो जाने या भाग जाने का भी यहां पर खतरा है, और उसके साथ ही उस पर किसी तरह की कोई धमकी भरा कोई हमला ना कर दे, इसको लेकर भी सुरक्षा एजेंसियां यहां पर चौकन्ना है, और इसी वजह से सीमा हैदर को अलग सेफ हाउस पर रखा गया है। लेकिन ये सेफ हाउस कहां पर है, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। सीमा हैदर और सचिन मीणा से पूछताछ हो रही है या फिर उन्होंने अपना ठिकाना बदल लिया है? आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि सीमा हैदर को अचानक अपना घर छोड़ना पड़ा है, सचिन का घर छोड़ना पड़ा है, दोनों घर से गायब है। सीमा हैदर 13 मई को नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से हिंदुस्तान पहुंची। 2 महीने तक ग्रेटर नोएडा में किराए के मकान में छिपकर पुलिस को उनकी खबर हुई तो वो सचिन मीणा के साथ फरार रही और 4 जुलाई को हरियाणा से गिरफ्तार की। साफे के शुरुआत में सीमा हैदर ने अपनी पहचान छिपाकर भारत में अवैध तरीके से रहने का फैसला किया था, और पकड़े जाने के बाद सीमा अब खुद को माँ के तौर पर एक पीड़ित की तरह पेश कर रही है ताकि उन्हें सहानुभूति मिल सके। माँ की नजर से सिर्फ जासूस 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 नजर से ना देखें, माँ की नजर से भी देखें।